मोटा भाई टीवी सीरियल। टीवी सीरियल में काम करने की क्या जरूरत है तुषार कुमार? अगर आपके पास ज्यादा फुर्सत है तो मैं तो कहता हूँ इस तरह टाइम फालतू बर्बाद करने से कोई अच्छा सा शौक पालिए, जैसे डाक टिकट जमा करना, सिक्के, ढक्कन। ढक्कन? हाँ, अरे मेरी ऑफिस का मैनेजर ही वो अपने फालतू टाइम में इस तरह ढक्कन इकट्ठे करता है, जैसे टूथपेस्ट का ढक्कन, बोतल का ढक्कन। तो मोटा भाई मुझे अपने आप को भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझे भी ढक्कन कह के बुलाते हैं। चारू वाला ये। नहीं नहीं मोटा भाई, ये आप अपनी डायरी में मत लिखना। तुषार, लोग कहाँ आपको ढक्कन कहते हैं? चार, भूल गई, पिछले महीने मुझे आधी रात को बेचैनी हुई थी और मैं घर के बाहर चला गया था और जोर जोर से हंसने लगा था, तब सारी सोसाइटी के लोग बाहर आ गए थे और मुझे ढक्कन कहा था। तुषार? हाँ, लेकिन तुषार कुमार वो तो गुस्से में कहा होगा। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, प्यार से कहते हैं, और हमारा सिक्योरिटी गार्ड वो तो रिस्पेक्ट से कहता है हेलो ढक्कन साहब। नाश्ता लीजिए ढक्कन कुमार। लीला भाभी। अरे बोलने दो ना चार, लीला भाभी कितना प्यार से कह रही है। मैं तो चाहता हूँ मेरा नाम ढक्कन के नाम से फेमस हो जाए। लाइए लीला भाभी, मैं डबल नाश्ता करूंगा। एक प्रोड्यूसर ने कहा है कि मैं अपना वजन डबल कर लूं। प्रोड्यूसर? तुषार, ये टीवी सीरियल में काम करने जा रहे हैं। रियली? टीवी सीरियल? लीला भाभी टैलेंट छिपता नहीं, किसी न किसी की नजर में आ ही जाता है। हाँ लीला भाभी, एक प्रोड्यूसर मेरी हंसी पे फिदा हो गया तो उसने मुझे ऑफर दे दिया। रियली? कौन सा सीरियल, कौन सा रोल? सुपर हिट सीरियल महाभारत के योद्धा में मैं राक्षसी हिडम्बा का दूर का कजिन सर्पकेश बना हूं। प्रोड्यूसर ने कहा ये रोल मेरे कैरेक्टर से एकदम मेल खाता है। वो तो बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे हिडम्बा कौन बनी है तुषार कुमार? उसका कास्टिंग अभी तक हुआ नहीं है। तुषार, आप उसके लिए लीला भाभी का नाम क्यों सजेस्ट नहीं करते? नहीं 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 नहीं, लीला किसी टीवी सीरियल में काम नहीं करेगी। हाँ। चारुवाला बहन, अगर मैं करूंगी भी ना तो राक्षसी हिडिम्बा का रोल तो बिल्कुल नहीं करूंगी, वो रोल तो किसी और के लिए रिजर्व्ड है। तुम कोई रोल नहीं करोगी लीला। हाँ, और सुनो, आज के बाद तुम्हारा टीवी देखना भी बंद। अरे सुनिए। हाँ। सुनिए तो आप। अरे हाँ, अगर आप चाहे तो एक अप्सरा का रोल है, सर्पकेश की कजिन मेनका का। उस रोल के लिए तो मैंने साफ इनकार कर दिया। तुषार, मैं उनकी बहन का रोल कैसे करूं? नो वेज। इसीलिए वो लोग ने चार को ऑफर किया ही नहीं। हाँ, लेकिन मैंने आपके बारे में उनको बताया कि लीला भाभी एकदम अप्सरा जैसी दिखती है, अगर आप कहें तो आपके लिए बात करूं। थैंक यू। वैसे आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तुषार कुमार, तो मैं अप्सरा का रोल कर सकती हूँ। ओके, तो मैं स्टोरी सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए। चार, क्या इशारा कर रही हो? तुषार, अब स्टोरी सुना के क्या फायदा, जब एक्टिंग करनी ही नहीं है। आपने सुना नहीं मोटा भाई ने क्या कहा? उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इनफैक्ट उन्होंने तो इनका टीवी देखना तक बंद करवा दिया। Poor thing. हाँ, लेकिन स्टोरी सुनना तो बंद नहीं करवाया ना। हाँ। सुनिए। हाँ, सुनाइए। रुक्मणी और कृष्णा खड़े हैं। हाँ। वहाँ एक राक्षस आ जाता है। वाह 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 लीला भाभी, आप टीवी सीरियल में काम करेंगी हैं? वैसे डिंपल, हमारे घर में एक टीवी सीरियल की हीरोइन तो होनी ही चाहिए। क्या प्रवीण, रोल क्या है आपका? मम्मी राक्षसी हिडिम्बा है? मम्मी राक्षसी हिडिम्बा और राक्षस सर्पकेश की बहन बनी है, जो अप्सरा है और स्वर्ग से आई है। और आपके अपोजिट कौन है? मोटा भाई? अरे क्या, आज से तो वो मेरा टीवी देखना भी बंद करके गए हैं। फिर भी आपने तय कर लिया कि आप अप्सरा बनेंगी? मेरे तय करने से क्या होगा, मेरी तो सिर्फ इच्छा है। नहीं 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 लीला भाभी, इच्छा सिर्फ मोटा भाई की है। पगली पगली। हाँ, आपकी मर्जी हो सकती है। इच्छा हो या मर्जी,
मैं पूरी करूंगी। मम्मी डोंट वरी, आप टीवी सीरियल में जरूर काम करेंगी। चलिए चलिए ट्रेलर दिखाइए। हाँ हाँ गुड आइडिया मम्मी, कम ऑन। मैं अभी कैसे? ना, कम ऑन मम्मी, कीजिए ना प्लीज। हाँ पर वो ओके, मैं ही दिखाती हूँ। मैं बताऊ लीला भाभी कैसे चलेगी? हाँ भैया सर्पकेश, दीदी हिडिंबा, मैं रामगढ़ से आई हूँ, आपके लिए टांका लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की तो आदत है नहीं, क्योंकि बार बार नहीं आता दादी माँ, आप प्लीज हाँ कह दीजिए ना मम्मी को टीवी सीरियल में काम करने के लिए प्लीज। अरे मैंने कब ना बोला। हाँ लेकिन आपने इजाजत भी तो नहीं दी। तेरी मम्मी ने इजाजत मांगी, तुझे दूध बनाकर भेज दिया, फिर भी मैंने इजाजत दे दी ना। हाँ तो आप अब पापा से भी कह दीजिए ना इजाजत देने के लिए प्लीज। ये गलत होगा, अरविंद मेरी हर बात मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे वो कहूँ जो उसे करना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उसे बोल दूँ तो वो हाँ भी कर देगा, लेकिन मन मार कर, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन दादी माँ देख, अब मीनाक्षी को अगर मैं डांट के कहती कि तू सुबोध से प्यार कर तो वो करती, लेकिन मन मार कर करती, जो गलत होता। इसीलिए तो इतना घुमा फिरा कर कॉम्पिटिशन करके खंडाला भेजने का आइडिया किया ना। तो आप मम्मी को भी सीरियल में काम करवाने के लिए एक आइडिया सोचिए। नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरे पास है, अगर पापा को पता ही ना चला। मतलब लीला सीरियल में काम करके आ जाए, वो टेलीकास्ट हो जाए और अरविंद को पता ही ना चले, मतलब धोखा? धोखा नहीं दादी माँ, इट्स नॉट धोखा, इट्स जस्ट एन आइडिया। आप मुझे एक बात बताइए, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर मम्मी टीवी सीरियल में काम करती है तो क्या आप उसको गलत मानती है? नहीं ऐसी कोई गलत बात नहीं है। तो फिर आप मम्मी को हेल्प कीजिए ना। लेकिन अरविंद को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। पता चलेगा तो ना दादी माँ, पता चलेगा तो।